हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत अच्छी खुशखबरी। जिन दोस्तों ने हरियाणा जुडिशियल सर्विस में पिछली बार जो अप्लाई नहीं कर पाए थे, आज वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गया है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, अभी हरियाणा में जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ा दी गई हैं, 256 वैकेंसी हो गई हैं, क्योंकि कोरेंडम आ गया है। 1 of 2021 में जो एडवर्टाइजमेंट निकला था एससीएस जुडिशियल ब्रांच का, जहाँ पे पहले वैकेंसीज जो थी 239 थी, जिनको बढ़ाकर अभी 256 कर दिया गया है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, पर ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी फ्रेंड्स के लिए जो पिछली बार मिस कर गए थे अप्लाई करना, और इस बार वो अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस बार इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। हरियाणा जुडिशरी ने 2021 में पहला ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया था वो 239 सिविल जज की पोस्ट के लिए दिया गया था। अभी उन पोस्ट को बढ़ाकर 256 कर दिया गया है, और जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे, नाउ दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। गोल्डन है, डायमंड अपॉर्चुनिटी है, तो इस बार अप्लाई ज़रूर कर दें और दोबारा से अपनी तैयारी शुरू कर दें। 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा। हम पूरे एडवर्टाइजमेंट पे इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। जो एडवर्टाइजमेंट 01 of 2021 था, वहाँ पे पोस्ट थी आपकी 239, और इन पोस्ट को बढ़ाकर अभी कर दिया गया है टोटल 256। तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी जो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा दी गई, ये तो एक खुशखबरी है ही है, बट जो दूसरी खुशखबरी यहाँ पे क्या है कि जो जुडिशियल एस्पिरेंट पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे सिविल जज जूनियर डिवीज़न हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में, अभी वो 15 सितंबर तक, 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 15 सितंबर तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, जो पुराना एडवर्टाइजमेंट था, जो क्वालिफिकेशंस थी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी सेम रहेंगी, लेकिन यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन को का और उनके डिपेंडेंट के जो कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो गवर्नमेंट ने कुछ चेंज की है। तो 14 जुलाई का उसमें एक नोटिफिकेशन है, वो अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा। वो भी आपको PDF उस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था, तो हमने पहले भी पूरा एडवर्टाइजमेंट का डिस्कशन किया है कि सिलेबस क्या है, आपका जो मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो कैसे होगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज़रूर दें। 13 अगस्त को ये निकला और हमने 13 अगस्त को ही कहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है इस एडवर्टाइजमेंट में, कि अक्टूबर नवंबर में आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट हो सकता है। इट मे बी कंडक्टेड, टेंटेटिवली डेट दे दिया गया है, तो बी मेंटली प्रिपेयर, कमर कस लीजिए, अपने तैयारी की स्पीड को कई गुना कर दीजिए। तो आज की शॉर्ट वीडियो हम इतना ही बताएंगे, आप ज़रूर देखें जो वीडियो, फुल डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, मार्क्स एंड एवरीथिंग, दैट विल बी इन गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द MK लीगल शिक्षा, और चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस जुडिशरी के, देखिए CPC, CRPC और IPC, एविडेंस, आपका हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, जितने भी हरियाणा जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट जो एक्ट है, सभी के वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सबको जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी करते रहें। जितने भी जो भी टॉपिक अगर आपको लगता है किसी और पे टॉपिक पे, मैक्सिमम टॉपिक से वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, फिर भी अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई एडवाइस है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो करें, जहाँ पे हम सारी चीज़ें देते रहते हैं। लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट बात, 15 अगस्त से ही अप्लाई इसका होना शुरू हो जाएगा, तो अप्लाई करना भी बिल्कुल ना भूलें। 15 सितंबर आपकी लास्ट डेट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।